नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो व्यंजन बनाने जा रहे हैं वह एक बहुत ही प्रचलित व्यंजन है और देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। आज का हमारा व्यंजन है आलू बोंडा, जिसे मध्य प्रदेश में आलू बोंडा कहते हैं, दक्षिण भारत में इसे आलू बोंडा कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे बटाटा वड़ा कहते हैं और आलू और बेसन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला बहुत ही जायकेदार व्यंजन है ये। आज हम जिस तरीके से आपको बनाना सिखा रहे हैं वह है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तरीका। इस तरीके में प्याज का फ्लेवर मेन होता है, इसमें प्याज बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। आगामी कड़ियों में आपको हम दक्षिण भारतीय और महाराष्ट्रीय तरीके से भी आलू बोंडा बनाना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज मध्य प्रदेश के तरीके से बनने वाला आलू बोंडा। आलू बोंडा बनाने के लिए आज हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बेसन, और अगर आप कटोरी से नापेंगे तो ये 1/4 कटोरी बेसन मैंने लिया है। और इसमें मैं डालूँगी 1/3 चम्मच, इसमें मैंने हल्दी डाली, 1/3 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1/3 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें सोडा बाइकार्ब डालूंगी 1 पिंच, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करूँगी, और एक साथ ढेर सारा पानी बेसन में नहीं डालना चाहिए, थोड़ा पानी मैं डाल रही हूँ और इसे मैं घोल रही हूँ। एक साथ ढेर सारा पानी डाल देने से बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती हैं जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी एक बार में डालें। इसमें थोड़ा पानी मैंने और डाला। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले इसका एक गाढ़ा पेस्ट मैं तैयार करूँगी और उसके बाद इसे हम पतला करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा पेस्ट तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, बेसन का हमने एक गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो हमें इसका थोड़ा सा पतला घोल चाहिए, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी और इसे थोड़ा सा हम पतला करेंगे। समझ लीजिए जैसे पकौड़े का हम घोल तैयार करते हैं, बस वैसा ही घोल हमें इसमें तैयार करना होता है। अब ये घोल इसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से गिरा रही हूँ। तो इतना गाढ़ा घोल हमें चाहिए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, क्योंकि हम इसमें आलू के बॉल्स बना के डिप करेंगे और उस पर कोटिंग होनी चाहिए। तो बहुत पतला घोल भी रहेगा तो ये अच्छा नहीं बन पाएगा और बहुत गाढ़ा भी अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी का घोल हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। हमने इसके लिए 4 आलू उबाल के रख लिए हैं। ये उबले हुए आलू हैं और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज हम इसे मध्य प्रदेश के स्टाइल में बनाएंगे और वहाँ पर इसमें प्याज का फ्लेवर सबसे स्ट्रांग होता है। तो हम सबसे पहले इस पे प्याज का एक मसाला तैयार करेंगे और बाद में थोड़ी सी कच्ची प्याज भी डालेंगे। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं। इसके मसाले के लिए मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज ली थी और 1 प्याज मैंने काट के रखी है बारीक, इसका मैं मसाला बनाऊंगी, और 1 प्याज थोड़ी सी से मोटी है उसको मैं बाद में डालूंगी। 1.5 टेबल स्पून मैंने तेल एक पैन में ले लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म करना है। और तेल गर्म होने के बाद 1 प्याज जो मैंने थोड़ी बारीक काट के रखी थी इसे मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे हमें लाल होने तक भूनना है। प्याज आप देख सकते हैं कि अच्छी भून के लाल हो गई है। तो अब मैं ये आलू डाल रही हूँ। आलू को मैंने क्रश कर लिया है, थोड़ा हाथ से लहसुन लिया है और ये क्रश हो गया है, तो इसलिए आलू डाल रही हूँ। आज को थोड़ी धीमी कर दी मैंने और अब मैं इसमें कुछ मसाले डालने वाली हूँ, जैसे कि 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरे का पाउडर और नमक। आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। मैं करीब 1/3 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रही हूँ, और हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च। आप 3 से 4 हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं, जैसा कि आप पसंद करते हैं। मैंने 3 हरी मिर्च इसमें डाली है और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से अच्छी तरह से दबा दबा के मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आंच को मैंने लगातार धीमा ही रखा हुआ है
क्योंकि आलू पके हुए हैं और प्याज भुन गई है, तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें इसमें कुछ भूनना नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने प्याज एक और काट के रखी थी, वो प्याज मैं अब इसमें डाल रही हूँ सारी, और इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। और बस इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद इसे धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए हम इसे लिड लगा के ढक देंगे, जिससे कि प्याज ये बस थोड़ी सी नरम हो जाए, और उसके बाद हमारा मटेरियल तैयार हो जाएगा। लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं ये लिड हटा रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो प्याज मैंने कच्ची कच्ची डाली थी ये सॉफ्ट पड़ गई है। तो अब मैं इसे गैस को ऑफ कर देती हूँ, हमें इसे पकाना नहीं है, इसका ऐसे ही कच्चे कच्चे में ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये तैयार है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। आलू ठंडा हो रहा है, मैं बेसन को भी देख लेती हूँ, मैंने इसे फूलने रखा था, ये 10-15 मिनट हो गए हैं, ये अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। एक बार इसको मैं फिर से चला लेती हूँ, बहुत बढ़िया बेसन तैयार हो गया फूल के। और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो हमें तेल थोड़ा ज़्यादा लेना होता है कढ़ाई में, तो कढ़ाई में मैंने तेल भी रख दिया है। अब ये आलू इतना ठंडा हो गया है कि हाथों से हम टच कर सकते हैं, तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरीके से हम इसकी एक बॉल बनाएंगे। आप बॉल अपने पसंद के साइज से बना सकते हैं, छोटी बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो मैंने एक लेमन साइज बॉल बनाई है, इसे दोनों हाथों के बीच इस तरीके से गोल गोल घुमा के राउंड शेप में मैं कर रही हूँ, और आप चाहे तो इसे थोड़ा सा फ्लैट शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। मैं गोल गोल बना रही हूँ, इसी तरीके से मैं बाकी की बॉल्स भी तैयार कर लेती हूँ। अब ये जो बॉल्स मैंने बनाई हैं, इसे मैं बेसन में डिप करूँगी और इस तरीके से पूरा इसको कोट करूँगी, और इसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो एक एक पीस हम उठाएंगे और इसे तेल में हम डालते जाएंगे, और आँच हमें बहुत तेज नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे। कि मैंने इसमें डिप किया, इस तरह से चारों तरफ से इसे कोट किया, और इसके बाद मैं इसे इसमें डालूँगी, इसी तरीके से डालते जाएं और बस फ्राई करेंगे इसे हम। मैंने कुछ बॉल्स इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इन्हें बीच बीच में पलटते भी जाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे सिक जाए। थोड़ा सा तेल को इस तरीके से ऊपर से डालते जाएं ताकि इस तरफ से थोड़े सिक जाए पलटने से पहले थोड़ा सा, और फिर इसके बाद इसे पलट दें। देखिए ये सिकने लगे हैं, अच्छे गुलाबी हो रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें इसे और तलना है। इन्हें बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना होता है, क्योंकि आलू तो अंदर से पके हुए हैं और बेसन की कोटिंग ही हमें सिर्फ पकानी होती है। तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, ये जो मेरे सिक सिक के तैयार हो गए हैं, इन्हें मैंने निकालना शुरू किया है, और अब मैं इन्हें टिश्यू पेपर पर निकालती जा रही हूँ। देखिए जैसे कि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो थोड़ा टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले, बस इसे निकाल रहे हैं हमें टिश्यू पेपर पे। और बस हमारे सारे आलू बोंडे तैयार हो चुके हैं, ये सारे आलू बोंडे मैंने निकाल के एक टिश्यू पेपर पे रख लिए हैं। कुछ मिनट इसे हम इसी तरह से टिश्यू पेपर पे रखेंगे, और उसके बाद हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। गर्मा गर्म आलू बोंडे बिल्कुल तैयार हैं, इसे आप चाहे टमाटर सॉस के साथ या नींबू के अचार के साथ या किसी भी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है ये। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का एपिसोड देखा होगा और आपको हमारा व्यंजन पसंद आया होगा, आप भी इसे अपने घर में अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारे व्यंजन पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।